तो देखिए, अगर हम इसी क्वेश्चन को पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, साइन एक्स को टी पुट किया था। अगर यहाँ पे हम कॉस एक्स को टी पुट कर दें, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इसी चीज़ को आप साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स लिख दीजिए, ठीक है, और इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी हो जाए, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स डी टी के इक्वल हो जाएगा। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इंटीग्रल बिकम टी क्यूब और 1 माइनस टी स्क्वायर और ये कॉस एक्स डी एक्स आपका डी टी बन जाएगा। तो इट बिकम टी की पावर, इंटीग्रल ऑफ टी की पावर 3 माइनस टी की पावर 5 डी टी, ठीक है। फिर आप पॉलिनोमियल फिर से बन गया ये, तो हम लोग क्या कर लें, इसको इंटीग्रेट कर लें। तो ये चूंकि इंटीग्रेशन जो होता है ये लीनियर ऑपरेटर होता है, तो ये इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेगा। तो टी क्यूब डी टी माइनस टी इंटीग्रल ऑफ टी की पावर 5 डी टी, क्या आ जाएगा यहाँ से, टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस सी। और टी क्या था आपका, टी था आपका साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन की पावर 4x और माइनस 1/6 साइन की पावर कितना हो जाएगा 6x प्लस सी। तो इस मेथड से हमने किया तो ये आंसर आया। चलिए एक और मेथड हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए।